जाने माने फिल्म अभिनेता और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी 2 दिन की फिल्म शूटिंग के बाद आज वापस झुंझुनू के नवलगढ़ से लौट गए हैं। अक्षय कुमार धर्मा प्रोडक्शन की केसरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आए थे। उनके साथ अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी थी। पहले दिन अक्षय और परिणीति ने नवलगढ़ और परशुरामपुरा में कुछ दृश्यों पर शूटिंग की। इसके लिए नवलगढ़ में एक लुधियाना स्टेशन बनाया गया था नवलगढ़ के पेविलियन में। वहीं परशुरामपुरा के एक मंदिर में गुरुद्वारा बनाया गया था जहां पर शूटिंग की गई। इसके बाद आज ढुंडलोत में गाने के शॉर्ट्स फिल्माए गए। सरदार की भूमिका में अक्षय कुमार दिखाई दिए तो परिणीति भी पंजाबी गर्ल के रूप में दिखाई दी। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी जिसका निर्देशन करण जौहर कर रहे हैं। नवलगढ़ में आज हेलीकॉप्टर द्वारा दोनों ही फिल्म अभिनेता अभिनेत्री श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के लिए रवाना हुए हैं जहां पर कुछ शॉट्स करने के लिए 1-2 दिन शूटिंग होगी। नवलगढ़ से रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि यहां पर उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, यहां फिर से आने की कोशिश की जाएगी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फिर से आएंगे इधर शूटिंग करने, बहुत मजा आया इधर, बहुत धन्यवाद। इससे पहले 2 दिन पूर्व भी अक्षय कुमार के झुंझुनू आने का कार्यक्रम था जिसके मुताबिक मुंबई से सीधे चार्टर प्लेन से अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा झुंझुनू आने वाले थे। अक्षय का चार्टर प्लेन झुंझुनू तो पहुंचा लेकिन केवल आसमान में ही चक्कर लगाकर वापस लौट गया था क्योंकि खराब मौसम के कारण उन्हें झुंझुनू हवाई पट्टी नहीं दिखी और यह चार्टर प्लेन पहले दिल्ली और बाद में जयपुर पहुंचा। जयपुर में चार्टर प्लेन के आने के बाद सड़क मार्ग के जरिए वे नवलगढ़ पहुंचे थे। परसों रात को नवलगढ़ पहुंचने के बाद कल उन्होंने शूटिंग की और आज भी शूटिंग के बाद हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। इस दौरान परसों दोपहर को झुंझुनू प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था हवाई पट्टी पर की गई थी। चार्टर प्लेन पर जब हवाई पट्टी के ऊपर आसमान में चक्कर लगा रहा था तब एक बार प्लेन के उतरने की संभावना भी थी लेकिन बाद में यह प्लेन लौट गया।